साहित्य से जुड़ना किसी पत्ते का अपने पेड़ और जड़ों से जुड़ने जैसा होता है। कहानियां हमें वक्त विशेष के देश, समाज और जीवन दर्शन से अवगत कराती हैं। ये प्रयास है कहानियों को आवाज देकर पत्तों को पेड़ों से जोड़े रखने का। आइए हमारे साथ जुड़िए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कथा, कहानी, काव्य। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कामना तरु, प्रस्तुति कथा, कहानी, काव्य। राजा इंद्रनाथ का देहांत हो जाने के बाद कुंवर राजनाथ को शत्रुओं ने चारों ओर से ऐसा दबाया कि उन्हें प्राण लेकर एक पुराने सेवक की शरण जाना पड़ा, जो एक छोटे से गांव का जागीरदार था। कुंवर स्वभाव के ही शांतिप्रिय, रसिक, हंस खेल कर समय काटने वाले युवक थे। रणक्षेत्र की अपेक्षा कवित्व के क्षेत्र में अपना चमत्कार दिखाना उन्हें अधिक प्रिय था। रसिक जनों के साथ किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए काव्य चर्चा करने में जो आनंद मिलता था, वह शिकार या राजदरबार में नहीं। इस पर्वत मालाओं से घिरे हुए गांव में आकर उन्हें जिस शांति और आनंद का अनुभव हुआ, उसके बदले में वह ऐसे ऐसे कई राज्य त्याग सकते थे। यह पर्वत मालाओं की मनोहर छटा, यह नेत्र रंजक हरियाली, यह जल प्रवाह की मधुर वीणा, यह पक्षियों की मीठी बोलियां, यह मृग शावकों की छलांगे, यह बछड़ों की कुलेलें, यह ग्राम निवासियों की बालोचित सरलता, यह रमणियों की संकोचमय चपलता, ये सभी बातें उनके लिए नई थी। पर इन सबों से बढ़कर जो वस्तु उनको आकर्षित करती थी, वह जागीरदार की युवती कन्या चंदा थी। चंदा घर का सारा कामकाज आप ही करती थी। उसको माता की गोद में खेलना नसीब ही न हुआ था। पिता की सेवा में ही रात दिन रहती थी। उसका विवाह इसी साल होने वाला था कि इसी बीच में कुंवर जी ने आकर उसके जीवन में नवीन भावनाओं और नवीन आशाओं को अंकुरित कर दिया। उसने अपने पति का जो चित्र मन में खींच रखा था, वही मानो रूप धारण करके सम्मुख आ गया। कुंवर की आदर्श रमणी भी चंदा ही के रूप में अवतरित हो गई। लेकिन कुंवर समझते थे, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। चंदा भी समझती थी, कहाँ ये और कहाँ मैं। दोपहर का समय था और जेठ का महीना। खपरेल का घर भट्टी की भांति तपने लगा। खस की टाट और तहखाने में राजकुमार का चित गर्मी से इतना बेचैन हुआ कि वे बाहर निकल आए और सामने के बाग में जाकर एक घने वृक्ष की छाह में बैठ गए। सहसा उन्होंने देखा, चंदा नदी से जल की गागर लिए चली आ रही है। नीचे जलती हुई रेत थी, ऊपर जलता हुआ सूर्य। लू से देह झुलसी जाती थी। कदाचित इस समय प्यास से तड़पते हुए आदमी को भी नदी तक जाने की हिम्मत न पड़ती। चंदा क्यों पानी लेने गई थी? घर में पानी भरा हुआ है, फिर इस समय वह पानी लेने क्यों निकली? कुंवर दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसके हाथ से गागर छीन लेने की चेष्टा करते हुए बोले, मुझे दे दो और भागकर छाँव में चली जाओ, इस समय पानी का क्या काम था। चंदा ने गागर न छोड़ी, सिर से खिसका हुआ आंचल संभालकर बोली, तुम इस समय कैसे आ गए? शायद मारे गर्मी के अंदर न रह सके। कुंवर, मुझे दे दो, नहीं तो मैं छीन लूंगा, चंदा ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमारों को गागर लेकर चलना शोभा नहीं देता, कुंवर ने गागर का मुंह पकड़कर कहा। इस अपराध का बहुत बड़ा दंड सह चुका हूं। चंदा, अब तो अपने को राजकुमार कहने में भी लज्जा आती है। चंदा, देखो धूप में खुद भी हैरान होते हो और मुझे भी हैरान करते हो। गागर छोड़ दो, सच कहती हूं, पूजा का जल है। कुंवर, क्या मेरे ले जाने से पूजा का जल अपवित्र हो जाएगा? चंदा, अच्छा भाई, नहीं मानते तो तुम ही ले चलो, हाँ नहीं तो। कुंवर गागर लेकर आगे आगे चले, चंदा पीछे होली। बगीचे में पहुंचे तो चंदा एक छोटे से पौधे के पास रुककर बोली, इसी देवता की पूजा करनी है, गागर रख दो। कुंवर ने आश्चर्य से पूछा, यहां कौन देवता है चंदा? मुझे कहीं नहीं नजर आता। चंदा ने पौधे को सींचते हुए कहा, यही तो मेरा देवता है। पानी पाकर पौधे की मुरझाई हुई पत्तियां हरी हो गई, मानो उनकी आंखें खुल गई हों। कुंवर ने पूछा, यह पौधा क्या तुमने लगाया है चंदा? चंदा ने पौधे को एक सीधी लकड़ी से बांधते हुए कहा, हां।
उसी दिन तो जब तुम यहाँ आए। यहाँ पहले मेरी गुड़िया का घरौंदा था, मैंने गुड़ियों पर छा करने के लिए अमोला लगा दिया था, फिर मुझे इसकी याद नहीं रही, घर के काम धंधे में भूल गई। मैंने आकर देखा तो वह सूख गया था। मैंने तुरंत पानी लाकर इसे सींचा तो कुछ ताज़ा होने लगा। तब से इसे सींचती हूँ, देखा कितना हरा भरा हो गया है। यह कहते कहते उसने सिर उठाकर कुंवर की ओर ताकते हुए कहा, और सब काम भूल जाऊं पर इस पौधे को पानी देना नहीं भूलती। तुम ही इसके प्राणदाता हो, तुम ही ने आकर इसे जिला दिया, नहीं तो बेचारा सूख गया होता। यह तुम्हारे शुभागमन का स्मृति चिन्ह है, जरा इसे देखो, मालूम होता है हंस रहा है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह मुझसे बोलता है। सच कहती हूं, कभी यह रोता है, कभी हंसता है और कभी रूठता है। आज तुम्हारा लाया हुआ पानी पीकर यह फूला नहीं समाता, एक एक पत्ता तुम्हें धन्यवाद दे रहा है। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो वह पौधा कोई नन्ना सा क्रीड़ाशील बालक है, जैसे चुंबन से प्रसन्न होकर बालक गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला देता है, उसी भांति यह पौधा भी हाथ फैलाए जान पड़ा। उसके एक एक अणु में चंदा का प्रेम झलक रहा था। चंदा के घर में खेती के सभी औजार थे। कुंवर एक फावड़ा उठा लाए और पौधे का एक थाल बनाकर चारों ओर ऊंची मेंड उठा दी, फिर खुरपी लेकर अंदर की मिट्टी को गोड़ दिया। पौधा और भी लहलहा उठा। कुंवर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कहता है अम्मा की गोद में बैठूंगा। चंदा, नहीं कह रहा है, इतना प्रेम करके फिर भूल न जाना। मगर कुंवर को अभी राजपूत होने का बाकी दंड भोगना बाकी था। शत्रुओं को न जाने कैसे उनकी टोह मिल गई। इधर तो हितचिंतकों के आग्रह से विवश होकर बूढ़ा कुबेर सिंह चंदा और कुंवर के विवाह की तैयारियां कर रहा था, उधर शत्रुओं का एक दल सिर पर आ पहुंचा। कुंवर ने उस पौधे के आसपास फूल पत्ते लगाकर एक फुलवारी सी बना दी थी। पौधे को सींचना अब उनका काम था। प्रातःकाल वे कंधे पर कांवर रखे नदी से पानी ला रहे थे कि 10-12 आदमियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया। कुबेर सिंह तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन शत्रुओं ने उसे मार गिराया। अकेले अस्त्रहीन कुंवर क्या करता। कंधे पर कांवर रखते हुए बोला, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। सरदार बोला, हमें आपको पकड़ ले जाने का हुक्म है। तुम्हारा स्वामी मुझे इस दशा में भी नहीं देख सकता। खैर अगर धर्म समझे तो कुबेर सिंह की तलवार मुझे दे दो, अपनी स्वाधीनता के लिए लड़कर प्राण दूं। इसका उत्तर यही मिला कि सिपाहियों ने कुंवर को पकड़कर मुश्के कस दी और उन्हें एक घोड़े पर बिछाकर घोड़े को भगा दिया। कांवर वहीं पड़ी रह गई। उसी समय चंदा घर से निकली, देखा कांवर पड़ी हुई है और कुंवर को लोग घोड़े पर बिठाए जा रहे हैं। चोट खाए हुए पक्षी की भांति वह कई कदम दौड़ी, फिर गिर पड़ी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। सहसा उसकी दृष्टि पिता की लाश पर पड़ी। वह घबरा कर उठी और लाश के पास जा पहुंची। कुबेर अभी मरा न था, प्राण आंखों में अटके हुए थे। चंदा को देखते ही क्षीण स्वर से बोला, बेटी कुंवर। इसके आगे वह कुछ न कह सका, प्राण निकल गए। पर इस शब्द कुंवर ने उसका आशय प्रकट कर दिया था। 20 वर्ष बीत गए, कुंवर कैद से न छूट सके। यह एक पहाड़ी किला था, जहां तक निगाह जाती पहाड़ियां ही नजर आती। किले में उन्हें कष्ट न था, नौकर चाकर भोजन वस्त्र सैर शिकार किसी बात की कमी न थी। पर उस वियोगाग्नि को कौन शांत करता जो नित्य कुंवर के हृदय में जला करती थी। जीवन में अब उनके लिए कोई आशा न थी, कोई प्रकाश न था। अगर कोई इच्छा थी तो कि एक बार उस प्रेम तीर्थ की यात्रा कर लें जहां उन्हें वह सब कुछ मिला जो मनुष्य को मिल सकता है। हाँ, उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि उस पवित्र स्मृतियों से रंजित भूमि के दर्शन करके जीवन का उसी नदी के तट पर अंत कर दें। वही नदी का किनारा, वही वृक्षों का कुंज, वही चंदा का छोटा सा सुंदर घर उसकी आंखों में फिरा करता, और वही पौधा जिसे उन दोनों ने मिलकर सींचा था, उसमें तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। क्या वह दिन भी आएगा जब वह उस पौधे को हरी हरी पत्तियों से लदा हुआ देखेगा।
कौन जाने वह अब है भी या सूख गया, कौन अब उसको सींचता होगा। चंदा इतने दिनों अविवाहित थोड़े ही बैठी होगी, ऐसा संभव भी तो नहीं, उसे मेरी सुध भी ना होगी। हाँ शायद कभी अपने घर की याद खींच लाती हो तो पौधे को देखकर उसे मेरी याद आ जाती हो। मुझ जैसे अभागे के लिए इससे अधिक वह और कर ही क्या सकती है। उस भूमि को एक बार देखने के लिए वह अपना जीवन दे सकता था, पर यह अभिलाषा पूरी ना हो सकती थी। आह एक युग बीत गया, शोक और नैराश्य ने उठती जवानी को कुचल दिया। न आंखों में ज्योति रही न पैरों में शक्ति। जीवन क्या था, बस जीवन का आधार एक अभिलाषा थी, एक सुखद स्वप्न जो जीवन में न जाने कब उसने देखा था। एक बार फिर वही स्वप्न देखना चाहता था, फिर उसकी अभिलाषाओं का अंत हो जाएगा, उसे और कोई इच्छा नहीं रहेगी। सारा अनंत भविष्य, सारी अनंत चिंताएं इसी स्वप्न में लीन हो जाती थी। उसके रक्षकों को अब उसकी ओर से कोई शंका न थी, उन्हें उस पर दया आती थी। रात को पहरे पर केवल कोई एक आदमी रह जाता था और लोग मीठी नींद सोते थे। कुंवर भाग जा सकता था, लेकिन कोई संभावना, कोई शंका न थी। यहां तक कि एक दिन यह सिपाही भी निशंक होकर बंदूक लिए लेट रहा। निद्रा किसी हिंसक पशु की भांति ताक लगाए बैठी थी, लेटते ही टूट पड़ी। कुंवर ने सिपाही की नाक की आवाज सुनी, उसका हृदय बड़े वेग से उछलने लगा। यह अवसर आज न जाने कितने दिनों के बाद मिला था। वह उठे मगर पांव थरथर कांप रहे थे, बरामदे के नीचे उतरने का साहस ना हो सका। कहीं इसकी नींद खुल गई तो? हिंसा उनकी सहायता कर सकती थी, सिपाही की बगल में उसकी तलवार पड़ी थी, पर प्रेम का हिंसा से बैर है। कुंवर ने सिपाही को जगा दिया, वह चौंक कर उठ बैठा। रहा सहा संशय भी उसके दिल से निकल गया। दूसरी बार जो सोया तो खर्राटे लेने लगा। प्रातःकाल जब उसकी नींद टूटी तो उसने लपक कर कुंवर के कमरे में झांका। कुंवर का पता न था। कुंवर इस समय हवा के घोड़े पर सवार कल्पना की द्रुत गति से भागा जा रहा था उस स्थान को जहां उसने सुख स्वप्न देखा था। किले में चारों ओर तलाश हुई, नायक ने सवार दौड़ाए पर कहीं पता न चला। पहाड़ी रास्तों का काटना कठिन था, उस पर अज्ञातवास की कैद, मृत्यु के दूत पीछे लगे हुए जिनसे बचना मुश्किल। कुंवर को कामना तीर्थ पहुंचने में महीनों लग गए। जब यात्रा पूरी हुई तो कुंवर में एक कामना के सिवा और कुछ शेष न था। दिन भर की कठिन यात्रा के बाद जब वह उस स्थान पर पहुंचे तो संध्या हो गई थी। यहां बस्ती का नाम भी न था, दो चार टूटे फूटे हुए झोपड़े उस बस्ती के चिन्ह स्वरूप शेष रह गए थे। वह झोपड़ा जिससे कभी प्रेम का प्रकाश था, जिसके नीचे उन्होंने जीवन के सुखमय दिन काटे थे, जो उनकी कामनाओं का आगार और उपासना का मंदिर था, अब उनकी अभिलाषाओं की भांति भग्न हो गया था। झोपड़े की भग्नावस्था मूक भाषा में अपनी करुण कथा सुना रही थी। कुंवर उसे देखते ही चंदा चंदा पुकारते हुए दौड़े। उन्होंने उस रज को माथे पर मला मानो किसी देवता की विभूति हो, और उनकी टूटी हुई दीवारों से चिपटकर बड़ी देर तक रोते रहे। हाय रे अभिलाषा, वह रोने के लिए ही इतनी दूर से आए थे। रोने की अभिलाषा इतने दिनों से उन्हें विकल कर रही थी, पर इस रुदन में कितना स्वर्गीय आनंद था। क्या समस्त संसार का सुख इन आंसुओं की तुलना कर सकता था। तब वह झोपड़े से निकले। सामने मैदान में एक वृक्ष हरे हरे नवीन पल्लवों को गोद में लिए मानो उनका स्वागत करने खड़ा था। यह वह पौधा है जिसे आज से 20 वर्षों पहले दोनों ने आरोपित किया था। कुंवर उन्मत्त की भांति दौड़े और जानकर उस वृक्ष से लिपट गए मानो कोई पिता अपने मातृहीन पुत्र को छाती से लगाए हुए हो। यह उसी प्रेम की निशानी है, उसी अक्षय प्रेम की, जो इतने दिनों के बाद आज इतना विशाल हो गया है। कुंवर का हृदय ऐसा हो उठा मानो इस वृक्ष को अपने अंदर रख लेगा, जिसमें उसे हवा का झोंका भी न लगे। उसे एक एक पल्लव पर चंदा की स्मृति बैठी हुई थी। पक्षियों का इतना रम्य संगीत क्या कभी उन्होंने सुना था?
उनके हाथों में दम न था। सारी देह भूख प्यास और थकान से शिथिल हो रही थी, पर वह उस वृक्ष पर चढ़ गए। इतनी फुर्ती से चढ़े कि बंदर भी न चढ़ता। सबसे ऊंची फुनगी पर बैठकर उन्होंने चारों ओर गर्वपूर्ण दृष्टि डाली। यही उनकी कामनाओं का स्वर्ग था। सारा दृश्य चंदामय हो रहा था। दूर की नीली पर्वत श्रेणियों पर चंदा बैठी गा रही थी। आकाश में तैरने वाली लालिमामयी नौकाओं पर चंदा ही उड़ी जाती थी। सूर्य की श्वेत पीत प्रकाश की रेखाओं पर चंदा ही बैठी हंस रही थी। कुंवर के मन में आया, पक्षी होता तो इन्हीं डालियों पर बैठा हुआ जीवन के दिन पूरे करता। जब अंधेरा हो आया तो कुंवर नीचे उतरे और उसी वृक्ष के नीचे थोड़ी सी भूमि झाड़कर पत्तियों की शैया बनाई और लेटे। यही उनके जीवन का स्वर्ण स्वप्न था। आह वैराग्य, अब वह इसी वृक्ष की शरण छोड़कर कहीं न जाएंगे। दिल्ली के तख्त के लिए भी वह इस आश्रम को न छोड़ेंगे। उसी स्निग्ध अमल चांदनी में सहसा एक पक्षी आकर उस वृक्ष पर बैठा और दर्द में डूबे हुए स्वरों में गाने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह वृक्ष सिर धुन रहा है। यह नीरव रात्रि उसके वेदनामय संगीत से हिल उठी। कुंवर का हृदय इस तरह ऐंठने लगा मानो वह फट जाएगा। स्वर में करुणा और वियोग के तीर से भरे हुए थे। ओह पक्षी, तेरा भी जोड़ा अवश्य बिछुड़ गया है, नहीं तो तेरे राग में इतनी व्यथा, इतना विषाद, इतना रुदन कहां से आता। कुंवर के हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। एक एक स्वर तीर की भांति दिल को छेदे डालता था। वह बैठे न रह सके, उठकर एक आत्मविस्मृति की दशा में दौड़े हुए झोपड़े में गए। वहां से फिर वृक्ष के नीचे आए। उस पक्षी को कैसे पाएं, कहीं दिखाई नहीं देता। पक्षी का गाना बंद हुआ तो कुंवर को नींद आ गई। उन्हें स्वप्न में ऐसा जान पड़ा कि वही पक्षी उनके समीप आया। कुंवर ने ध्यान से देखा तो वहां पक्षी न था, चंदा थी। हाँ, प्रत्यक्ष चंदा थी। कुंवर ने पूछा, चंदा, यह पक्षी यहां कहाँ? चंदा ने कहा, मैं ही तो वह पक्षी हूं। कुंवर, तुम पक्षी हो? क्या तुम ही गा रही थी? चंदा, हाँ प्रियतम, मैं ही गा रही थी। इस तरह रोते रोते एक युग बीत गया। कुंवर, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? चंदा, उसी झोपड़े में जहां तुम्हारी खाट थी, उसी खाट के बांध से मैंने अपना घोंसला बनाया है। कुंवर, और तुम्हारा जोड़ा कहाँ है? चंदा, मैं अकेली हूं। चंदा को अपने प्रियतम के स्मरण करने में, उसके लिए रोने में जो सुख है, वह जोड़े में नहीं। मैं इसी तरह अकेली रहूंगी और अकेली मरूंगी। कुंवर, मैं क्या पक्षी नहीं हो सकता? चंदा चली गई। कुंवर की नींद खुली गई। उषा की लालिमा आकाश पर छाई हुई थी और वह चिड़िया कुंवर की शैया के समीप एक डाल पर बैठी चहक रही थी। अब उस संगीत में करुणा न थी, विलाप न था, उसमें आनंद था, चापल्य था, सारल्य था। वह वियोग का करुण क्रंदन नहीं, मिलन का मधुर संगीत था। कुंवर सोचने लगे, इस स्वप्न का क्या रहस्य है? कुंवर ने शैया से उठते ही एक झाड़ू बनाई और झोपड़े को साफ करने लगे। उनके जीते जी इसकी यह भग्न दशा नहीं रह सकती। वह इसकी दीवारें उठाएंगे, इस पर छप्पर डालेंगे, इसे लीपेंगे। इसमें उनकी चंदा की स्मृति वास करती है। झोपड़े के कोने में वह कांवर रखी हुई थी जिस पर पानी ला ला कर वह इस वृक्ष को सींचते थे। उन्होंने कांवर उठा ली और पानी लाने चले। दो दिन से कुछ भोजन न किया। रात को भूख लगी हुई थी पर इस समय भोजन की बिल्कुल इच्छा न थी। देह में एक अद्भुत स्फूर्ति का अनुभव होता था। उन्होंने नदी से पानी ला लाकर मिट्टी भिगोना शुरू किया। दौड़े जाते थे और दौड़े आते थे। इतनी शक्ति उनमें कभी न थी। एक ही दिन में इतनी दीवार उठ गई जितनी चार मजदूर भी ना उठा सकते थे। और कितनी सीधी चिकनी दीवार थी कि कारीगर भी देखकर लज्जित हो जाते। प्रेम की शक्ति अपार है। संध्या हो गई, चिड़ियों ने बसेरा लिया, वृक्षों ने भी आंखें बंद की, मगर कुंवर को आराम कहां। तारों के मलिन प्रकाश में मिट्टी के रद्दे रखे जा रहे थे। हायरे कामना,
क्या तू इस बेचारे के प्राण ही लेकर छोड़ेगी? वृक्ष पर पक्षी का मधुर स्वर सुनाई दिया। कुंवर के हाथों से घड़ा छूट पड़ा। हाथ और पैरों में मिट्टी लपेट कर वह वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उस स्वर में कितना लालित्य था, कितना उल्लास, कितनी ज्योति। मानव संगीत इसके सामने बेसुरा आलाप था। उसमें यह जागृति, यह अमृत, यह जीवन कहाँ? संगीत के आनंद में विस्मृति है, पर वह विस्मृति कितनी स्मृतिमय होती है। अतीत को जीवन और प्रकाश से रंजित करके प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति संगीत के सिवा और कहाँ है? कुंवर के हृदय नेत्रों के सामने वह दृश्य खड़ा हुआ जब चंदा इसी पौधे को नदी से जल ला लाकर सींचती थी। हाय, क्या वे दिन फिर आ सकते हैं? सहसा एक बटोही आकर खड़ा हो गया और कुंवर को देखकर यह प्रश्न करने लगा जो साधारणतः दो अपरिचित प्राणियों में हुआ करते हैं। कौन हो? कहां से आते हो? कहां जाओगे? पहले वह भी इसी गांव में रहता था, पर जब गांव उजड़ गया तो समीप के एक दूसरे गांव में जा बसा था। अब भी उसके खेत यहां थे। रात को जंगली पशुओं से अपने खेतों की रक्षा करने के लिए वह यहीं आकर सोता था। कुंवर ने पूछा, तुम्हें मालूम है इस गांव में कुबेर सिंह ठाकुर रहते थे? किसान ने बड़ी उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ भाई, जानता क्यों नहीं, बेचारे यहीं तो मारे गए। तुमसे भी क्या जान पहचान थी? कुंवर, हाँ, उन दिनों मैं कभी कभी आया करता था। मैं भी राजा की सेना में नौकर था। उनके घर में और कोई न था? किसान, अरे भाई कुछ न पूछो, बड़ी करुण कथा है। उसकी स्त्री तो पहले ही मर चुकी थी, केवल लड़की बच रही थी। कैसी सुशील, कैसी सुघड़ वह लड़की थी। उसे देखकर आंखों में ज्योति आ जाती थी, बिल्कुल स्वर्ग की देवी जान पड़ती थी। जब कुबेर सिंह जीता था तभी कुंवर राजनाथ यहां से भागकर आए थे और उसके यहां रहे थे। उस लड़की की कुंवर से कहीं बातचीत हो गई। जब कुंवर को शत्रुओं ने पकड़ लिया तो चंदा घर में अकेली रह गई। गांव वालों ने बहुत चाहा कि उसका विवाह हो जाए, उसके लिए वरों का जोड़ न था भाई। ऐसा कौन था जो उसके पाकर अपने को धन्य न समझता? पर वह किसी से विवाह करने पर राजी न हुई। ये पेड़ तो तुम देख रहे हो, तब छोटा सा पौधा था। इसके आसपास फूलों की कई क्यारियां थी, इन्हीं को गोड़ने, निराने, सींचने में उसका दिन कटता था। बस यही कहती थी कि हमारे कुंवर साहब आते होंगे। कुंवर की आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी। मुसाफिर ने जरा दम लेकर कहा, दिन दिन घुलती जाती थी। तुम्हें विश्वास ना आएगा भाई, उसने 10 साल इसी तरह काट दिए। इतनी दुर्बल हो गई थी कि पहचानी न जाती थी, पर अब भी उसे कुंवर साहब के आने की आशा बनी हुई थी। आखिर एक दिन इसी वृक्ष के नीचे उसकी लाश मिली। ऐसा प्रेम कौन करेगा भाई? कुंवर न जाने मरे कि जिए, कभी उन्हें इस विरहिणी की याद भी आई कि नहीं। पर इसने तो प्रेम को ऐसा निभाया जैसा चाहिए। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो हृदय फटा जा रहा है। वह कलेजा थाम कर बैठ गया। मुसाफिर के हाथ में एक सुलगता हुआ उपला था। उसने चिलम भरी और 2-4 दम लगाकर बोला, उसके मरने के बाद यह घर गिर गया। गांव पहले ही उजाड़ था, अब तो और भी सुनसान हो गया। 2-4 आदमी यहां आ बैठते थे, अब तो चिड़िया पूत भी यहां नहीं आता। उसके मरने के कई महीने बाद यही चिड़िया इस पेड़ पर बोलती हुई सुनाई दी। तब से बराबर इसे यहां बोलते सुनता हूं। रात को सभी चिड़िया सो जाती हैं, पर यह रात भर बोलती रहती है। इसका जोड़ा कभी नहीं दिखाई दिया, बस फुटेल है, दिन भर उसी झोपड़े में पड़ी रहती है, रात को इस पेड़ पर आकर बैठती है। मगर इस समय गाने में कुछ और ही बात है, नहीं तो सुनकर रोना आता है। ऐसा जान पड़ता है मानो कलेजे को मसोस रहा है। मैं तो कभी कभी पड़े पड़े रो दिया करता हूं। सब लोग कहते हैं यह वही चंदा है, अब भी कुंवर के वियोग में विलाप रही है। मुझे भी ऐसा ही जान पड़ता है। आज जाने क्यों मगन है? किसान तंबाकू पीकर सो गया। कुंवर कुछ देर तक खोए हुए से खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, चंदा क्या सचमुच तुम ही हो? मेरे पास क्यों नहीं आती? एक क्षण में चिड़िया आकर उनके हाथ पर बैठ गई।
चंद्रमा के प्रकाश में कुंवर ने चिड़िया को देखा। ऐसा जान पड़ा मानो उसकी आंखें खुल गई हों, मानो आंखों के सामने कोई आवरण हट गया हो। पक्षी के रूप में भी चंदा की मुख कृति अंकित थी। दूसरे दिन किसान सोकर उठा तो कुंवर की लाश पड़ी हुई थी। कुंवर अब नहीं है, किंतु उनके झोपड़े की दीवारें बन गई हैं। ऊपर फूस का नया छप्पर पड़ गया है और झोपड़े के द्वार पर फूलों की कई क्यारियां लगी हुई हैं। गांव के किसान इससे अधिक और क्या कर सकते थे। उस झोपड़े में अब पक्षियों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाया है। दोनों साथ साथ दाने चारे की खोज में जाते हैं, साथ साथ आते हैं। रात को दोनों उसी वृक्ष की डाल पर बैठे दिखाई देते हैं। उनका सुरम्य संगीत रात की नीरवता में दूर तक सुनाई देता है। वन के जीवन जंतु वह स्वर्गीय गान सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। यह पक्षियों का जोड़ा कुंवर और चंदा का जोड़ा है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं। एक बार व्याध ने इस पक्षियों को फंसाना चाहा, पर गांव वालों ने उसे मारकर भगा दिया।